कोरोना काल के कारण जहां सभी गतिविधियां बंद हैं, वहीं वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज डोईवाला में उत्तराखंड टीवी पत्रकार संघ ने असहाय परिवार के साथ सड़कों पर खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे जरूरतमंद परिवारों को आलू पूरी अचार और पानी के साथ मास्क बांटकर हिंदी पत्रकारिता दिवस मानव सेवा के रूप में मनाते हुए लोगों की मदद की। देखिए, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और इस दिन हमने एक मुहिम छेड़ी है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, लगातार बाजार बंद है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग परेशान हैं जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तो उन तक आज हमने खाने के पैकेट पहुँचाए हैं और मानव सेवा के साथ ही हमने पत्रकारिता धर्म का भी निर्वहन किया है। साथ ही हमारी एक मुहिम है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारे तमाम साथी पत्रकारों ने मिलकर खाने के पैकेट तैयार किए हैं, आज हम जगह जगह जाकर उनको बांट रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हर व्यक्ति तक, जरूरी व्यक्ति तक ये खाने के पैकेट पहुँचे। और क्योंकि कोविड काल लगातार चल रहा है, महामारी का दौर अभी भी जारी है, तो उसको देखते हुए लोग सावधानी बरतें, गाइडलाइन का पालन करते रहें जो सरकार द्वारा जारी की जाती है। तो आज ये हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर हम सब पत्रकारों की एक छोटी सी मुहिम है जिसको बढ़ चढ़ के लोगों ने सराहा है। पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार, जो हमारे देश को चला रहा है। इस कोविड काल में भी आप लोग अपने घर से निकले हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के, कई पत्रकार मृत्यु भी हो गई है कोविड से, फिर भी आप लोग जमे हुए हैं। और ये खाने की जो पहल है आज पत्रकार का दिवस में, एक अनोखा पहल जो आप लोगों ने की डोईवाला पत्रकार संघ ने, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप पूरी टीम को, कि आप भूखे को रोटी देने का काम कर रहे हैं, जो आश्रित हैं, जो बाहर के लोग हैं, गाँव में बस गए हैं, जो आगे मजदूर बाहर नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते, उनकी आप सेवा कर रहे हैं। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ आपकी और आपके पत्रकार संघ की।